मैं माननीय चुनाव आयोग का दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने समझा है। कांग्रेस तो झूठ का सहारा लेकर के चलती है, कांग्रेस का जो झूठ है अब वो बिकने वाला नहीं है। मैंने कहा भी था, कांग्रेस ने इस प्रकार का यहाँ पर मोमेंटम खड़ा किया, कांग्रेस आएगी भाई, कांग्रेस आएगी ना, कहाँ आएगी कांग्रेस। लोग कहते थे मेरे को, कहा बड़ी हवा चल रही, मां कोई हवा नहीं चल रही, ने कांग्रेस के बड़े नेता हैं, ने गर्मा बैठ का कह रहेगा कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी, कहा कांग्रेस आएगी। कांग्रेस तो तब आए ना जब इन्होंने कोई काम किया हो, काम तो किया लूटने का देश को, भ्रष्टाचार किए, घोटाले किए, लोगों को लाइन में खड़ा किया। मैं माननीय चुनाव आयोग का दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने समझा है। कांग्रेस तो झूठ का सहारा लेकर के चलती है, और उन्होंने वो फैसला जो दिया है वो लोगों की भावनाओं का फैसला था। माननीय चुनाव आयोग ने जो कांग्रेस के उस झूठ को नकारा है, क्योंकि कांग्रेस लगातार झूठ का सहारा लेकर के वो कहीं ना कहीं लगी रहती है कि हमें कामों के ऊपर तो वोट नहीं मिलता, झूठ से अगर वोट मिल जाए तो लोगों का शोषण कर लें। आज सभी लोग उसको जान चुके हैं, कांग्रेस का जो झूठ है अब वो बिकने वाला नहीं है। मैंने कहा भी था, कांग्रेस ने इस प्रकार का यहाँ पर मोमेंटम खड़ा किया, कांग्रेस आएगी भाई, कांग्रेस आएगी, रहा कहाँ आएगी कांग्रेस, कहीं दिखाई तो दे नहीं रही थी। परंतु इनके कांग्रेस के जो बड़े पदाधिकारी हैं उनको ये नजर आ रहा था अभी कांग्रेस है, उनको तो नजर आएगा। मेरे को लोग पूछते थे, लोग कहते थे मेरे को, कहा बड़ी हवा चल रही, मां कोई हवा नहीं चल रही, ने कांग्रेस के बड़े नेता हैं, ने गर्मा बैठ का कह रहेगा कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी, कहा कांग्रेस आएगी। कांग्रेस तो तब आए ना जब इन्होंने कोई काम किया हो, काम तो किया लूटने का देश को, भ्रष्टाचार किए, घोटाले किए, लोगों को लाइन में खड़ा किया। चार चार दिन में गैस का सिलेंडर मिलता था, उसको तो भूल गए कांग्रेस के नेता, कहा कांग्रेस आएगी, कहा कांग्रेस आएगी। लोगों ने नकार दिया उस झूठ को, और एक झूठ फैलाया था कि संविधान को खत्म करेंगे, राहुल गांधी का भी झूठ नहीं चलेगा उसका, अब सुपड़ा साफ है। और मैं चुनाव आयोग की उस फैसले का स्वागत करता हूं, चुनाव आयोग ने जो फैसला दिया है कांग्रेस के झूठ को नकारा है।